जख्मी वहां पर लाए गए हैं, उनको किस किस्म के जख्म आए हैं, किस किस्म की इंजरीज हैं उन्हें? जो ज्यादातर जख्मी यहाँ पे लाए गए हैं उनके चेहरे और हाथों और पांव पे जख्म आए हैं। यहाँ पे जो है पुलिस ने जो है मेन गेट जो अलर्ट का है उसको बंद कर दिया है। वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी जो है लगाई गई है। किसी गैर मुतलका शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये एक स्ट्रेटजी है जो कि सरहद पुलिस और स्पेशली पिशावर पुलिस ने अपनाई है कि जैसे ही कोई ब्लास्ट हो तो अस्पतालों में हम एमरजेंसी नाम कर देते हैं और उसके बाद किसी दूसरे खतरे से निमटने के लिए जो है आम लोगों का दाखिला जो है अस्पताल में बंद कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, हम आपसे बाद में दोबारा भी अपडेट लेते रहेंगे। और शकील फरमान अली का कहना था कि अब तक 43 जख्मियों को वहां पर लेडी रेडिंग अस्पताल जो यहां का करीबी अस्पताल है वहां पर लाया गया है और उनका यह भी कहना था कि अभी तक कोई भी डेड बॉडी वहां नहीं लाई गई। अलबत्ता पेशावर के जो DCO हैं साहिबजादा अनीस, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। पेशावर के पल कॉन्टिनेंटल होटल में ये ज़ोरदार धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले और अब तक की इतलात के मुताबिक जैसे कि जावेद ने बताया 5 अफराद जाँ बहक और 43 के करीब जख्मी हैं। जख्मियों में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं।